हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। बात करने जा रहा हूँ ISL के बारे में, बात करेंगे IPL के बारे में। नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के लिए गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है गुवाहाटी के लिए। तो फ्रेंड ऐसे में वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। छोटी छोटी अपडेट है, वीडियो भी बहुत छोटी होने वाला है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत मजा आएगा। आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्या क्या छोटी छोटी स्पोर्ट अपडेट है। सबसे पहला जो अपडेट आ जाता है IPL 2020 को लेकर, जो कि राजस्थान रॉयल गुवाहाटी में कैंप करने वाला है 3 दिन के लिए, और इन 3 दिन जो कि प्रैक्टिस वगैरह करने वाले गुवाहाटी में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। उसी के साथ साथ अगर बात करें, पिछले वीडियो में भी बताया था FC गोवा जो ISL होस्ट करने वाला है, ISL की जो फाइनल मैच है वो गोवा में होने वाला है, और गोवा जो होस्ट करने वाला है ये बहुत ही अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ गोवा अगर सेमीफाइनल या फिर फाइनल खेले तो देखने को काफ़ी मजा आएगा। उसी के साथ साथ अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट बात, और आज के जो वीडियो का मतलब अगर देखा जाए, इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो है नॉर्थ यूनाइटेड FC की गुड न्यूज़ को लेकर। और नॉर्थ यूनाइटेड FC का गुड न्यूज़ जो है वो है ND Cook, और ND Cook जो आने वाले टाइम में 2020-21 के लिए खेलने वाला है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और नॉर्थ यूनाइटेड FC के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये जो प्लेयर है बहुत अच्छा प्लेयर है, जो कि एक सेंटर फॉरवर्ड है। और अगर बात करें ये फॉरेनर प्लेयर है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस प्लेयर के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो प्लेयर है 2020-21 में भी खेलने की पूरी चांसेस है। और अभी अगर बात करें उनका जो कॉन्टेक्ट है आगे भी है, और ऐसे में अगर देखा जाए वो अभी वो कॉन्टेक्ट एक्सपीरियर नहीं होने वाला है, मतलब अगर देखा जाए उनको एक्सटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं। आने वाले टाइम में 2020-21 के लिए भी ये प्लेयर खेल सकता है, जो कि एक बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्थ यूनाइटेड FC में देखा जाएगा एक फॉरेन प्लेयर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ऐसे में अगर बात करें जो कि ये प्लेयर नॉर्थ यूनाइटेड FC को आगे ले जा सकता है, और नॉर्थ यूनाइटेड FC आने वाले टाइम में और भी नए नए प्लेयर को साइन करने वाला है, सब कुछ मिला जुला के मुझे लगता है नॉर्थ यूनाइटेड FC का टीम आने वाले टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बनेगा। उसी के साथ साथ नॉर्थ यूनाइटेड FC का सबसे जरूर जो होगा वो है लोकल प्लेयर की। तो नॉर्थ यूनाइटेड FC के कुछ लोकल प्लेयर अच्छे अच्छे लोकल प्लेयर को लेना होगा, तभी जाके नॉर्थ यूनाइटेड FC क्वालिफाई हो पाएगा। हालांकि नॉर्थ यूनाइटेड FC अभी से नए प्लेयर को साइन करना शुरू कर दिया, और नॉर्थ यूनाइटेड FC ने एक नए लोकल प्लेयर को इससे पहले साइन किया, जो कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पे मिल जाएगा, जाइए और देखिए। तो फ्रेंड बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात, अगर चाहिए आपको एक लोगो नीचे ही मिले दिया है, वहाँ कॉन्टेक्ट कीजिए, बहुत ही कम प्राइस में आपको लोगो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं और एक लेटेस्ट फ्रेश वीडियो में।